पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मेटिंग के बारे में बताना शुरू किया था। उसमें हमने फॉर्मेटिंग फॉन्ट के बारे में बताया था आपको कि फॉर्मेट कैसे करना है फॉन्ट को और फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब है कि हमने इससे अपने डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना है, दिखावट को चेंज करना है कि देखने में वो अट्रैक्टिव लगे, सुंदर लगे। उसके लिए हम जो है फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मेटिंग फॉन्ट के बारे में बताया था आपको, तो उसमें कुछ चीज़ें बताई थी हमने। फॉन्ट स्टाइल के बारे में बताया था, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बारे में बताया था। फॉन्ट फेसेस के बारे में बताया था, जिसमें आपके पास कंप्लीट लिस्ट है, उस लिस्ट में से जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप वो फॉन्ट फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉन्ट के साइज के बारे में बताया था, डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं, ये इसका साइज इंक्रीज करने के लिए साथ में दिया हुआ है आपके पास बटन ए, अप के लिए ए डाउन, उससे जो है आप ए डाउन इससे जो है साइज डिक्रीज कर सकते हैं, इससे साइज इंक्रीज हो सकता है उसका फॉन्ट का। साथ में ये स्ट्राइक थ्रू के लिए था आपके पास, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है। और चेंज केस के बारे में बताया था कि डिफरेंट केसेस हैं हमारे पास, अगर जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है हमने टेक्स्ट पहले से टाइप कर दिया है और उसको सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस में चेंज करना है तो हम उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और ये एक हाईलाइटिंग का बताया था आपको कि जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा है इम्पोर्टेंट है हमें, तो उसको किसी कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे अभी हाईलाइटेड टेक्स्ट दिख रहा है ये फॉर्मेटिंग का, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो लिखा हुआ है ये आपको हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है। और उसके बाद फॉन्ट कलर के बारे में बताया था, फॉन्ट कलर में आपके पास डिफरेंट कलर ऑप्शन हैं, जिसमें से आप कोई भी कलर ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। अगर इससे भी अगर एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है तो हम मोर कलर्स पर क्लिक करके जो है, और एक कंप्लीट हमारे पास और ज्यादा लिस्ट आती है बड़ी यहाँ पे, और इसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं वो ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है जो हमें इस रिबन में मिलते हैं। जब आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तब आपको बताया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, और उन कंपोनेंट्स में ये जो है हमारा इसको इस एरिया को रिबन बोलते हैं, ये आपका रिबन। और इसमें जो है यहाँ पर जो फॉन्ट है, फॉन्ट के साथ एक नीचे बटन दिखाई दे रहा है, और इसके अगर ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमारा फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो ये जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इसमें कुछ और ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं कि अगर हमें लगता है कि हमने यहाँ से ऑप्शंस हमें कम बढ़ रहे हैं तो और एक्स्ट्रा ऑप्शंस हमारे पास यहाँ से आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फॉन्ट का, फॉन्ट फेस, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। वही लिस्ट जो कम्प्लीट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही थी वही लिस्ट यहाँ पर आ जाती है, उसमें से जो भी फॉन्ट फेस आपने आपको चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसका एक सैंपल आपको नीचे दिखाई दे रहा है, यहाँ सैंपल लिखा हुआ है नीचे, और जैसे ही आप उसको चेंज करेंगे तो वो सैंपल आपको चेंज होकर दिखाई देगा कि ये आपका टेक्स्ट कैसा दिखाई देगा। फिर फॉन्ट स्टाइल्स हैं इसमें हमारे पास, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बोल्ड एंड इटैलिक। और उसमें बोल्ड इटैलिक अगर दोनों चीजें अप्लाई करनी है तो बोल्ड इटैलिक उसको हम कर सकते हैं। साइज के बारे में हमारे पास यहाँ टाइप भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो साइज सेलेक्ट भी कर सकते हैं इस लिस्ट में से। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल में हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर का मतलब होता है जैसे नॉर्मल फॉन्ट है जिसमें ना बोल्ड किया गया ना इटैलिक किया गया, तो उसको रेगुलर फॉन्ट में कन्वर्ट करना है तो वो रेगुलर स्टाइल आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन है, अंडरलाइन के लिए यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप जो है टेक्स्ट को किस तरह से अंडरलाइन करना चाहते हैं। डॉटेड अंडरलाइन करनी है, सिंगल अंडरलाइन करना है, डबल अंडरलाइन करना है, आपने जो अंडरलाइन की लाइन है उसको डार्क होना है, डॉटेड होना है, डैश टाइप चाहिए आपको, तो यहाँ से डिफरेंट अंडरलाइनिंग स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिक इसका अंडरलाइनिंग का कलर है कि जो अंडरलाइन आपने करना है वो अंडरलाइन का कलर जो है वो क्या रहेगा, वो कलर यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था, जैसे आपको सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में मैंने बता दिया था कि ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखना है, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, कि अगर आपको जो है उसकी पावर की फॉर्म में लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट हो गया, और अगर उसको बेस की फॉर्म में लिखना है तो वो सबस्क्रिप्ट हो गया। ये स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है कि अगर उसके ऊपर सिंगल लाइन का आपने कट करनी है उसे, अगर डबल लाइन से कट करना है तो डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। उसकी शेडो की देखना है कि कुछ शेडो दिखाई दे बैक साइड में उसके, तो वो शेडो फॉर्म में कर सकते हैं। आउटलाइन फॉर्म में लिखना है कि उसकी सिर्फ आउटलाइनिंग दे, बीच में से खाली रहे। और ये थोड़ा सा और 3D इफेक्ट्स के लिए एम्बॉस और एनग्रेव हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको स्मॉल्स में लिखना है तो स्मॉल कैप्स कर सकते हैं, ऑल कैप्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सब स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है इसके अंदर ही हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट जो है इस रिबन से पूरी नहीं होती है तो फिर हम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से वो ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने वो चेंजेस जो किए हैं उन चेंजेस को आपने एक्सेप्ट करना है, अप्लाई करना है अपने टेक्स्ट पे, तो आप ओके कर देंगे। अगर आपको लगता है कि चेंजेस हमें जो है वो अपने टेक्स्ट पर अप्लाई नहीं करने हैं तो हम यहाँ पर
कैंसिल बटन पर क्लिक कर देंगे, तो जो भी सिलेक्ट आपने किया होगा, जो भी चेंजेस आपने अपने टेक्स्ट में किए होंगे, वो अप्लाई नहीं होंगे। और अगर अप्लाई करने हैं तो आपने वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सारे ऑप्शन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने ओके बटन क्लिक करना है। और अगर नहीं करने हैं, उनको अप्लाई नहीं करना है चेंजेस को, तो आप जो है कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे, वो चेंजेस वहाँ पर अप्लाई नहीं होंगे।